Hello guys, welcome to the channel Learning from Scratch. In this video we are going to start chapter 3rd of Honeysuckle class 6th. Let's start. Taro's reward. A young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. All day long he chopped wood in the forest. Though he worked very hard, he earned very little money. तो एक woodcutter था, मतलब जो लकड़ियाँ काटते हैं, उसका नाम तारो था. वो पूरा दिन भर लकड़ियाँ काटता था और पूरा दिन भर काम करता रहता था, पर फिर भी वो बहुत कम अर्न कर पाता था. चॉप्ड, कट इनटू पीसेस. जैसे कोई भी चीज़ को हम पीसेस में काट देते हैं, जैसे हम वेजिटेबल्स को पीसेस में, छोटे छोटे पीसेस में काट देते हैं, ऐसे ही तारो भी वुड को या लकड़ी को छोटे छोटे पीस में काटता था. दिस मेड इट सैड, फॉर ही वॉज अ थॉटफुल सन एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड. तो तारो एक बहुत ही एक अच्छा सन था. वो अपने ओल्ड पेरेंट्स को एक अच्छी लाइफ देना चाहता था, उन्हें जो चाहिए था वो देना चाहता था. पर हम सबको पता है कि तारो की अर्निंग इतनी ज़्यादा थी नहीं, इसलिए उसे पूरा दिन काम करना पड़ता था. वन इवनिंग व्हेन तारो एंड हिज parents were sitting in a corner of their hut, a strong wind began to blow. It whistled through the cracks of the hut, and everyone felt very cold. Suddenly, Taro's father said, "I wish I had a cup of shake. It would warm me and do my heart good." तो जब वो लोग तीनों लोग एक जगह पर बैठे हुए थे, तो suddenly cold wind आने लगी या ठंडी हवाएं आने लगी, जिसको फिर तारो के father ने बोला कि काश मेरे पास shake होती. सेक एक टाइप की जापानीज ड्रिंक होती है, जैसे सूप होता है वैसे ही सेक होती है. जैसे कभी भी सर्दियां होती हैं या विंटर होता है या ठंडी का मौसम होता है तो हम लोगों को सूप पीना अच्छा लगता है, वैसे ही तारो के फादर का भी मन सेक पीने का हुआ. दिस मेड तारो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड सेक वॉज वेरी एक्सपेंसिव. हाउ डू आई अर्न मोर मनी, ही आस्क्ड हिमसेल्फ. हाउ डू आई गेट अ लिटिल सेक फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर. तो जब हम सबको पता है कि तारो के फादर जो थे उनका सेक पीने का मन किया क्योंकि वो वेदर ठंडा हो गया था, तो पर तारो के दिमाग में यही था कि सेक काफ़ी एक्सपेंसिव ड्रिंक है और वो उसे अफोर्ड नहीं कर सकता. तो ये जब उसके फादर ने सेक की से बोला कि उसे सेक पीना है, तो तारो काफ़ी सैड हो गया क्योंकि वो अफोर्ड नहीं कर पा रहा था उस ड्रिंक को. और तारो ने सोचा कि अब मैं और ज़्यादा हार्डवर्क करूँगा और ज़्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूँगा. Next morning, Taro jumped out of bed earlier than usual and made his way to the forest. He chopped and cut as the sun climbed, and soon he was warm that he had to take off his jacket. His mouth was dry and his face was wet with sweat. My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. And with that, he began to chop even faster and thinking of the extra money he must earn to buy the shake to warm the old man's bone. तो हम सबको बताए कि अगले दिन तारो अपने unusual, मतलब वो लेट उठता था पर उस टाइम के वो पहले उठ गया और उसके दिमाग में यही था कि मैं और वर्क हार्ड करूँगा और अपने फादर के लिए शेक अफोर्ड करूँगा और उन्हें पिलाऊँगा. तो इसलिए वो फॉरेस्ट की तरफ गया और वहाँ लकड़ियाँ काटने लगा, मेहनत करने लगा. और कुछ टाइम बाद जो उसने जैकेट पहनी थी वो उसको उतारना पड़ गया क्योंकि उसकी बॉडी गर्म हो गई थी. फिर वो बोलता है कि काश मेरे फादर भी मेरी तरह वार्म फील कर पाते. और यही सोचकर उसने और वर्क हार्ड किया कि वो उनको वो ड्रिंक पिला कर ही रहेगा. देन सडनली तारो स्टॉप चॉपिंग. वॉट वॉज दैट साउंड ही हर्ड. कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर. Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. He was thirsty. The axe dropped out of his hand and he ran in the direction of the sound. तो जब तारो काम कर रहा था तो सडनली उसने एक आवाज़ सुनी. वो सोचने लगा, यार ये किस चीज़ की आवाज़ है. फिर उस कुछ देर उसने जब सोचा, फिर उसको पानी की आवाज़ आने लगी, रशिंग स्ट्रीम की आवाज़ आने लगी. तो उसने सोचा यहाँ पर तो ये चीज़ हो नहीं सकती, तो फिर वो उस तरफ गया. Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind a rock, kneeling at a place where the water flowed quietly. He cupped the little in his hand and put it to his lips. Was it water or was it sake? He tasted again and again, and always it was delicious sake instead of cold water. तो जब तारो उस साउंड की तरफ जा रहा था तो उसने देखा कि वहाँ पर एक हिडन वाटरफॉल था और आवाज़ उसके पानी से आ रही थी। तो वो उसके पास गया क्योंकि तारो भी काफ़ी थर्स्टी था, उसको काफ़ी प्यास लग रही थी क्योंकि वो काफ़ी मेहनत कर रहा था। तो उसने सडनली थोड़ा सा पानी टेस्ट करके देखा, पर वो ठंडा पानी नहीं था, वो सेक था। पहले उसने सोचा ये सेक नहीं हो सकता, तो उसने बार बार टेस्ट किया और वो सेक ही था। थैंक यू सो मच। Please like, subscribe and share.